आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने घर अपने गांव जाने वाला हूं। इस बात को सोचकर ही मैं काफी खुश हो जा रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि ये खुशी डर में तब्दील हो जाएगी। दरअसल मैं मुंबई में एक गेम डिजाइनिंग कंपनी में काम करता हूँ। पिछले 5 महीनों से मैं जिस हिसाब से लगातार काम किए जा रहा था, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि अब आगे मुझे छुट्टी मिल भी पाएगी। छुट्टी का एप्लीकेशन लगातार रिजेक्ट पर रिजेक्ट हो जा रहा था, पर फाइनली आज बॉस की मेहरबानी से मुझे 1 हफ्ता की छुट्टी मिल ही गई। हालांकि मुंबई से मेरे गांव जाने की काफ़ी सारी बसें चलती हैं, पर इस बार मैंने तय किया कि मैं अपनी बाइक से गांव जाऊंगा और शाम को ऑफिस से काम करके निकलूंगा। फ़ायदा ये होगा कि एक दिन मेरा काम भी नहीं छूटेगा और शाम को दिन के मुकाबले ट्रैफिक भी कम रहेगा। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। शाम के तकरीबन 6 बजे तक मैं अपनी बाइक लेकर अपने गांव के लिए निकल गया। मेरा गांव मुंबई से तकरीबन 95 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने में तकरीबन 2.5-3 घंटों का समय लगने वाला था। मौसम गर्मियों का चल रहा था, इसलिए हाईवे भी पूरी तरह से गाड़ियों से भरा हुआ था। हालांकि मैंने सोच रखा था कि 2.5-3 घंटों में गांव पहुंच जाऊंगा, मगर हाईवे पर ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि मुंबई से निकलने में ही मुझे 2 घंटों का समय लग गया। अब रात के 8 बज चुके थे। धीरे धीरे हाईवे पर गाड़ियों की संख्या भी कम होने लगी थी। क्योंकि मैं शाम को कुछ खाकर नहीं निकला था, इसलिए अब मुझे बहुत तेज भूख लगने लगी थी। भूख मिटाने के लिए मैंने अपनी बाइक को हाईवे के किनारे एक ढाबे पर रोका और अंदर जाकर खाना पीना करने लगा। खाना पीना खाकर मैं जब ढाबे से बाहर निकला तो तब घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। 3 घंटे यहीं पर गुजर चुके थे और अभी तक मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा था। मेरा सारा हिसाब किताब फेल हो चुका था। खैर, मैंने बाइक स्टार्ट किया और वापस से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। अब पूरा रास्ता कहीं ना कहीं खामोश हो चुका था। मेरी बाइक के अलावा बस एकाध ट्रकें ही रास्ते पर नजर आ रही थी, वो भी मुझे ओवरटेक करके आगे निकल जा रही थी। हाईवे पर कुछ देर यूं ही चलते रहने के बाद अब मुझे हाईवे से अलग एक लोकल रास्ता लेना था, लिहाजा मैंने अपनी बाइक को उस रास्ते की ओर मोड़ लिया। वो रास्ता दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। हाईवे पर तो एकाध गाड़ियां नजर भी आ रही थी, पर उस रास्ते पर मेरी बाइक के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी और ना ही लाइट का कोई इंतजाम था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में नहीं है, बल्कि इस दुनिया से परे वो कोई दूसरा रास्ता है। मैं उस रास्ते पर काफी देर से चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर यहीं रुककर थोड़ा आराम कर लिया जाए, जिस वजह से मैंने अपनी बाइक को रास्ते के एक किनारे पर लगाया और जेब से सिगरेट लाइटर निकालकर सिगरेट जलाकर पीने लगा। उस जगह पर अब पूरी तरह से खामोशी पसर चुकी थी। रास्ते के किनारे जंगलों से आ रही रात कीड़ों की आवाजें मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। दूर कहीं से ट्रेन गुजर रही थी। इतनी ज्यादा खामोशी महसूस करके मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। मुझे वहां पर रुकना अब सही नहीं लगा, इसलिए मैंने फटाफट
अपनी सिगरेट को फेंक कर बाइक चालू किया और वहां से आगे बढ़ गया। हेडलाइट की पीली सी रोशनी में अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी मुझे सामने रोड के एक किनारे पर कोई लड़की खड़ी दिखी। वो लड़की दुल्हन के लिबास में थी और हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। उस लड़की को इतनी रात गए इस जंगली रास्ते पर देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्यों है। पहले तो मैंने सोचा कि बाइक रोक देता हूँ, मगर फिर याद आया कि आजकल ऐसे रास्तों पर इस तरह से काफ़ी लूटपाट होती है और हो सकता है कि ये लड़की उन्हीं लुटेरों के गिरोह में शामिल हो। यही सोचकर मैंने अपनी बाइक नहीं रोकी और उस लड़की को पार करते ही मैंने जब साइड मिरर से उसे देखने की कोशिश की तो मैं दंग रह गया, क्योंकि शीशे में वो लड़की दिखी ही नहीं। मुझे लगा शायद वो कहीं चली गई होगी, पर इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है, एक सवाल ये भी था। खैर, मैं चुपचाप बाइक चलाता रहा। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी पीछे से मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई साइकिल की घंटी बजाते हुए पीछे से आ रहा हो। मैंने अपने लुकिंग ग्लास में वापस पीछे देखा, मगर शीशे में पीछे कोई नजर नहीं आ रहा था, पर वो घंटी की आवाज़ लगातार मेरे कानों में आए जा रही थी। तंग आकर मैंने बाइक चलाते हुए ही एक दफ़ा पीछे पलटा तो फिर एक बार मेरा रोम रोम कांप उठा, क्योंकि पीछे एक साइकिल चलते हुए मेरी ओर आ रही थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी उस साइकिल को चला रहा था और लाल कपड़ों में कोई उसकी साइकिल के पीछे बैठा हुआ था, मगर कौन इतनी दूर से साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो साइकिल चलते हुए मेरी बाइक के बराबरी में आई तो मैंने देखा कि उस साइकिल के पीछे लाल कपड़ों में कोई और नहीं बल्कि वही लड़की बैठी हुई है जो कुछ देर पहले रास्ते के किनारे खड़ी होकर मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। फिर एक बार मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की यहाँ इसकी साइकिल पर कैसे आ गई, पर फिर मैंने सोचा जरूर इस आदमी ने उसे लिफ्ट दिया होगा। इतने में ही वो साइकिल चलते हुए मेरे से आगे निकल गई। मैं भी चुपचाप उस साइकिल के पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते वो साइकिल अब मुझसे काफ़ी आगे निकल चुकी थी, इतना आगे कि अंधेरे में मुझे दिख नहीं रही थी। खैर, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी अचानक आसमान में जोरों की बिजली चमकी, साथ ही साथ बादलों की गर्जन शुरू हो गई। लग रहा था बहुत तेज बारिश आने वाली है, इसलिए मैंने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, क्योंकि उस रास्ते पर बारिश से बचने के लिए कोई शेड नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अगर बारिश आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सोचकर अभी मैं तेजी से बाइक को भगा ही रहा था कि तभी जिसका डर था वही हुआ। बहुत ही तेजी से बारिश ने हमला बोल दिया। बारिश से बचने के लिए मैं क्या करूं, अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे मुझे एक छोटा सा शेड नजर आया। मेरी जान में जान आई। मैंने तुरंत अपनी बाइक को शेड के पास में रोका और जैसे ही शेड के अंदर दाखिल हुआ तो पाया कि वो दोनों, मतलब वो लड़की और वो आदमी भी उसी शेड के अंदर हैं। शायद वो भी बारिश के पानी से बचने के लिए ही आए थे। खैर, मैं उन लोगों के बगल में जाकर खड़ा हो गया। अभी मैं उन लोगों के बगल में खड़ा ही था कि तभी शेड के अंदर
लाल रंग की रोशनी फैल गई, पर अजीब बात तो ये थी कि शेड में कोई लाइट जल ही नहीं रही थी। फिर ये लाल रोशनी है किस चीज की, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर मेरे बगल में खड़े उस लड़की और उस आदमी पर गई, तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा पूरा दिमाग घूम गया, क्योंकि उस लड़की और उस आदमी का शरीर लाल चमक रहा था और अब उनका चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका था। उनकी आंखें किसी कोयले की तरह लाल चमक रही थी। मुझे समझ आ गया कि हो ना हो यहां दाल में कुछ तो काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है। लिहाजा मैं धीरे धीरे दबे पैर शेड से बाहर निकला और अपनी बाइक के पास जाकर बाइक लेकर वहां से चलता बना। बाद में मैं जब गांव पहुंचा तो मैंने ये बात सबको बताई। सबने मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर बताया कि दरअसल कुछ महीनों पहले हमारे ही गांव का एक नवविवाहित जोड़ा उसी रास्ते से गुजर रहा था। वो दोनों साइकिल पर थे। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने उन्हें लूटा तो लूटा, पर दोनों को जान से मार डाला। बस उसी वक्त से उस रास्ते पर उन दोनों की आत्माएं भटकती रहती हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी बेकसूर को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सब सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गया और उस दिन के बाद से मैंने कान पकड़ लिए कि मैं बाइक से कभी अपने गांव नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।